ज्ञापन दिया गया जिसमें भाजपा से सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पर कार्रवाई की मांग की गई है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी, जिससे राहुल गांधी को नशे का आदि बताया गया था। कहा गया है कि राहुल गांधी कोकीन का नशा करते हैं। ऐसी अभद्र टिप्पणी को लेकर आज यूथ कांग्रेस के सन्नी गवाई ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भंवरकुआ थाने पहुंचकर और थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। वहीं अब यूथ कांग्रेस इंदौर के हर थानों पर इस तरह की ज्ञापन देगी, जिससे पुलिस प्रशासन कार्रवाई हेतु बाध्य हो। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने हमारे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता है श्री राहुल गांधी जी के ऊपर एक भद्दी टिप्पणी और एक आरोप लगाए हैं कि वो नशे के आदि ने और कोकीन का नशा करते हैं। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ कि उनके पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत है तो सबके सामने लेके आए। क्या भारतीय जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आए दिन ऐसे भद्दे जो बयान हैं वो देते रहते हैं? अगर उनके पास में किसी भी तरीके का तथ्य है तो जनता के सामने स्पष्ट करें या तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। आज किस प्रकार का ज्ञापन दिया, कहां पर दिया आप लोगों ने? हमने इंदौर के सभी थाने जो हैं सभी पर जाके ज्ञापन के रूप में एक बात पहुंचाई गई है कि इनके ऊपर कार्रवाई तत्काल की जाए, जिससे कि जो राजनीतिक दल है उनके बीच में जो समन्वय रहता है वो आपस में बना रहे। कार्यकर्ता जो है यूथ कांग्रेस के वो कहीं ना कहीं आक्रोशित है और एक बड़ा विरोध करने के रूप में है, तो जिसको लेकर एक शांति बनी रहा है उसको लेकर सभी थानों पर ज्ञापन दिया गया है। आपका नाम? मतलब सन्नी गवाई, इंदौर यूर उपाध्यक्ष।